our chapter number is not complete. Okay, so we have today we will start only story song. So open your textbook and page number 166. So you have to read with me. Okay, page number 66. If there are 60 bananas and 2 monkeys, if there are 60 bananas and 2 monkeys, so how many will each monkey get? 16 bananas or 2 monkeys? Yani division 2. 2 monkeys hai, so 1 monkey ko kitna banana milega? Waise hi agar sum na mile to bhi pata chal jayega, 60 ka 2 60 जो है उसका इक्वल टू फाइव बनना है, तो कितना आ जाएगा 30. अगर सम करें 2 3 6, ये जीरो बाकी बचा वो जीरो ऊपर आ जाएगा, तो 30 कितना आ जाएगा 30. ईच मंकी हैज 30 बनाना, सो यू हैव टू राइट इन प्लेन्स 30 bananas. Next, 5 friends found 10 5 rupees coin on the ground. 5 friends थे, वो क्या search कर रहे हैं? 10 5 rupees के coin. 10 5 rupees के coin. 10 coin होंगे और 5 rupees के coin होंगे तो कितने rupees होंगे? 50. Okay, they say that equal, वो equal में share कर रहे, each friend got 10 rupees. एक friend को कितने rupees आए? 10 rupees. Because of 50 rupees है, और how many friends? 5 friends. अब 5 friends ने 50 rupees को equal divide करना है, that means 50 division 5. 5 tens are 50. So each friend get 10 rupees. Each friend has 10 rupees. If there are 60 10 rupees notes and 4 friends to share them. यहाँ पे total 50 rupees है और 5 rupees के coin है. 5 फ्रेंड है और सबको इक्वल में डिवाइड करना है, तो इन ईच फ्रेंड हैज 10 रुपीस. अगर हमारे पास इफ देयर आर 60 रुपीस, अगर हमारे पास टोटल 60 रुपीस है और 4 फ्रेंड्स को शेयर करना है, 4 फ्रेंड्स को इक्वल शेयर करना है, तो यहाँ पे हर एक फ्रेंड को 16 division 4. 4 fours are 16. Each friend get 4 rupees. Yeah, agar 10 rupees ki coin hote to kitne aate? 4 tens are 40. So each friend get 40 rupees. Each friend get 40 rupees. हमें यहाँ पे दिया गया है कि 6 10 rupees के coin. आ 6 है वो 10 rupees के coin है. 6 10 rupees के coin है और 4 friends में divide करना है, तो यहाँ पे हमने division किया, तो यहाँ पे कितने आए? Each friend has 4 रुपीस, लेकिन कोई भी वो कितने रुपीस का है? 10 रुपीस का, तो 4 मल्टीप्लिकेशन है इज इक्वल टू 40 रुपीस. सो यू हैव टू राइट इन ब्लैंक्स 40 रुपीस. इन ईच फ्रेंड हैज 40 रुपीस, सो हमें ब्लैंक्स में लिखना है 40. सो नेक्स्ट, 5 फ्रेंड्स फाउंड 100. अगर 5 फ्रेंड्स भी
हंड्रेड रुपीज है और फाइव फ्रेंड में शेयर करना है. ओके, सो हाउ मच विल ईच गेट, ईच फ्रेंड के पास कितने रुपीज आ जाएंगे? फाइव टूजा टेन, टेन में से टेन कट करे तो जीरो, ए वाला जीरो नीचे नहीं आएगा, इसके बदले कहां पे आ जाएगा? ऊपर. ईच फ्रेंड हैज 20 रुपीज, ईच फ्रेंड हैज 20 रुपीज. सो यू हैव टू राइट इन फिल इन द ब्लैंक्स, 100 डिवीजन 5 इज इक्वल टू 20. नाउ नेक्स्ट, हरि प्रसाद हैज 30 मीटर्स ऑफ फ्रॉग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओनली एक्सप्लेन, मतलब मैं जो आपको समझा रही हूँ समझना है, इसके बाद आपको पीडीएफ में से टेक्सटबुक कंप्लीट करना. हरि प्रसाद हैज 30 मीटर्स ऑफ फ्रॉग, हरि प्रसाद के पास 30 मीटर्स की फ्रॉग है. ही डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वल अमाउंट हिज थ्री चिल्ड्रंस, उन्होंने अपने थ्री चिल्ड्रंस में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. सो 30 डिवीजन 3, तो यहां पे हमें सम करना है, 30 डिवीजन 3, 3 10 30. ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 10. सो 10 मीटर्स कितने की? Each children has 10 meters row. So, यहाँ पे length में लिखेंगे 10. Then, if there is 36 meters of row, अगर उसके पास 36 meters row हो, तो how much of row will each child get? अगर 36 meters उसके पास row होती, तो हर एक चिल्ड्रंस को कितना मीटर आता? तो इसके चिल्ड्रंस कितने हैं? 3. सो अगेन 36 डिवीजन 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, क्वोशेंट इज 12, तो वन चिल्ड्रन हैज 12 मीटर्स, वन चिल्ड्रन हैज 12 मीटर्स. And then, and if there is 60 meters of rock, अगर उसके पास 60 meters के rock होते, तो how much will each child get? तो each child को, एक child को कितने rock दे सकते? 60 division 3, 3 to the 6, 0 ये ऊपर आ जाएगा. Each children has 20 मीटर्स रॉ, एक चिल्ड्रंस को वो 20 मीटर्स रॉ दे सकता है. अगर उसके पास 30 मीटर है तो 10 मीटर देंगे. ईच चिल्ड्रन हैज 36 मीटर, ईच चिल्ड्रन हैज 12 मीटर एंड 60 मीटर, सो ईच चिल्ड्रन हैज 20 मीटर. ओके, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 173, जंप एनिमल्स. जंपी एनिमल्स, एनिमल्स जंप करें, इस तरह के सब हमने एडिशन में सीख चुके हो, सब्सट्रैक्शन में सीख चुके हो, मल्टीप्लिकेशन में सीख चुके हो, और अब आया डिवीजन. सो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बता देते हैं. फर्स्ट एनिमल इज फ्रॉग, फ्रॉग जंप्स टू स्टेप एट टाइम. अगर वो एक स्टेप करे तो कितने कितने नंबर से आते? टू स्टेप, टू, टू के बाद फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व,
10, 12, 14, 16, 18, or 20. Okay. Squirrel jump 3 steps. यहाँ पे एक 2 step वाला है और squirrel has 3 jump. कितने? 3 jump. Squirrel. First of all, 3. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम यहाँ पे सीखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 jump करने तो 1 पे होते तो 1, 2 and 3. Okay, so sweet.
नेक्स्ट टर्न योर पेज पेज नंबर 170 विच नंबर विल द कंगारू रीच इन टू जंप्स अगर कंगारू है और टू जंप करे तो वो कहां पे पहुंचता है वेन इज कंगारू टू जंप करे तो वो कितने पे पहुंचता है ए फर्स्ट पे और सेकंड से तो सेकंड से पे कहां पे पहुंचता है सिक्स तो हम क्या करेंगे इसके लिए नंबर थ्री से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 इंटू टू टू थ्री जा सिक्स 16 कंगारू टू जंप करे तो वो 60 पे पहुंच जाएगा नंबर फोर वो ऑलवेज मेक द नंबर 15 कौन कौन है वो 15 नंबर में वो मिल रहे हैं यानी 15 नंबर किस किस में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्विरल में 15 आते हैं उसके लिए जाते हैं देन रैबिट में 15 आते हैं यस एंड हॉर्स तो कौन कौन से एनिमल्स है वो 15 नंबर पे मीट यानी मिलते हैं स्क्विरल रैबिट एंड हॉर्स सो यू हैव टू राइट इन योर ब्लैंक्स स्क्विरल रैबिट एंड हॉर्स नंबर फाइव विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18 वेर इज रैबिट रैबिट है वो 18 नंबर पे आता है नो सो आवर आंसर इज नो रैबिट है वो 18 नंबर पे नहीं आता है देन नंबर 66 हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल वन जंप ऑफ द हॉर्स यानी हाउ मेनी जंप्स कितने जंप्स करे तो रैबिट इक्वल वन जंप ऑफ द हॉर्स हॉर्स है वो वन जंप में कितने करते हैं अगर एक जंप करे तो 15 एक जंप करे तो 15 एंड देन रैबिट की बात करो हॉर्स की बात करो ये रैबिट रैबिट को कितने जंप करता है 5 तो 15 डिवीजन 5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 सो आवर आंसर नंबर 6 अगर हॉर्स से वो 15 जंप कर रहा है और रैबिट है वो कितने जंप करेंगे 5 यहाँ पर देख सकते हो 1, 2 and 3 रैबिट है वो 3 जंप करे तब 15 पे पहुंचता है और हॉर्स है वो 1 जंप करे तब वो 15 पे आता है देन नेक्स्ट हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स 2 जंप्स ऑफ द कंगारू हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स कितने जंप करे हॉर्स तो इक्वल 2 जंप्स ऑफ द कंगारू कंगारू कितने जंप करेंगे 2 एंड हॉर्स कितने जंप करेंगे वो मैंने और हॉर्स पे वो कितने जंप करेंगे तब 60 पे आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 ये 4 जंप करेगा
ये टू और ये थ्री, ये सबसे ज्यादा स्मॉल नंबर टू है और इसमें सबसे स्मॉल नंबर थ्री है, तो टू थ्री जा सिक्स। ओके, ये फ्रॉग है वो कितने जब करेगा, वन टू एंड थ्री, तब जाकर सिक्स पे पहुंचेगा, और स्क्विरल है वो वन और टू जंप करे तब जाके सिक्स पे पहुंचेगा। तो स्क्विरल में वो टू जंप करे और फ्रॉग है वो थ्री जंप करे तब जाके वो दोनों सिक्स पे एक साथ मिल सकते हैं, तो टू थ्री जा सिक्स। ओके, नाउ ओपन योर वर्कबुक, इन टेक्स्ट बुक वी हैव टू कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 12। नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 66, पेज नंबर 66, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वन मिल कॉस्ट सिक्स रुपीज, वन मिल की कॉस्ट कितनी है, वन लीटर मिल, सॉरी Next, Neha had 24 chocolates. She gives 4 each
टू पेंसिल्स. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विदाउट बॉक्स, कितनी पेंसिल है विदाउट बॉक्स रहेगी, टू पेंसिल. नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ एट पेंसिल इज 56. द कॉस्ट ऑफ एट पेंसिल इज 68 रुपीज. एट पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 56. सो 56 इज द एट, 87 इज 56. सो वन पेंसिल कॉस्ट इज कितनी हुई, 7. सो यहां पर लिखेंगे वन पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू 7. सो यहां पर हमें क्या दिया गया है कि हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बोर्ड बाय 72 रुपीज. अगर हमारे पास 72 रुपीज है तो हम कितनी पेंसिल्स ले सकते हैं, राइट? तो 7 रुपीज हो गए. 7 रुपीज अगर हमारे पास हो गए तो हम वन पेंसिल को बोर्ड कर सकेंगे. अगर हमारे पास 72 रुपीज हो गए तो हम पेंसिल के कितनी पेंसिल को ले सकेंगे, यानी क्रॉस करेंगे 72 इंटू 1 डिवीजन 7. तो यहाँ पे क्या होगा, 7 का टेबल बोलेंगे 72 रुपीज. यस, हम कितनी पेंसिल यहाँ पे ले सकेंगे, ओके? नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज रुपीज 9. एक बुक की द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 9 रुपीज. How many books can Raju buy with 60 rupees? How much amount will he get as balance? The cost of one book, मतलब एक book की price कितनी है, 9 rupees. Okay, so how many books can Raju buy 60 rupees? अगर उसके पास 60 rupees है तो वो कितनी बुक्स ले सकता है, यहाँ पे 16 डिवीजन 9. ओके, 16 डिवीजन 9, 9 का टेबल बनाएं, 9 6 54. यहाँ पे कितने बचेंगे, 6 रुपीज. कितने बचेंगे, 6 रुपीज. तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि हाउ मच अमाउंट वी कैन गेट एज बैलेंस, मतलब उसके पास कितने कितने रुपीस बचे. यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द बैलेंस अमाउंट, दैट मींस यहाँ पे भी इस तरह का डिवीजन करना है, 72 डिवीजन 7. 7 10 70, यहाँ पे 2 बचेंगे तो उसके पास कितनी बैलेंस बचे, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितने पैसे उसके पास बचे, तो उसके पास कितनी पेंसिल आ जाएगी, 10 पेंसिल आ जाएगी. और बैलेंस अमाउंट कितने बचेंगे, 2 रुपीज. कितने बचेंगे, 2 रुपीज, ओके. और यहाँ पे राजू ने 16 रुपीज में 6 बुक खरीदी और इसके पास बैलेंस अमाउंट कितनी बची, 6 रुपीज, ओके. सो यहाँ पे हम हमारा चैप्टर्स है वो कंप्लीट करते हैं, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर्स इन नोटबुक सॉरी इन टेक्स्ट बुक इन वर्कबुक कंप्लीट हो गए. इसके साथ मैंने जो भी आपको समझाया है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव